Yeshua, Yeshua, Yeshua.
बोला बेटी तुम्हें क्या चाहिए, प्रेम चाहिए कि ज्ञान चाहिए कि पैसा। उस लड़की ने बोला मुझे पैसा चाहिए। फिर यीशु मसीह उनको पैसा दिया। पैसा तो बहुत है उसके पास में, लेकिन उसका मन शांति नहीं, खुशी नहीं, क्योंकि दूसरों को मदद नहीं करता। फिर यीशु मसीह के पीछे एक लड़का आया। फिर यीशु मसीह ने बोला बेटा तुम्हें क्या चाहिए, प्रेम चाहिए कि ज्ञान चाहिए कि पैसे चाहिए। उस लड़के ने बोला मुझे ज्ञान चाहिए। फिर यीशु मसीह ने उस लड़के को ज्ञान दिया। उसके पास में ज्ञान तो है, वो संसार की चीजों बहुत ऑफिसर पढ़ लिख के बहुत ज्ञान है उसके पास में ऑफिसर, पर गरीब लोगों को निंदा घमंड है उसके मन में, उससे भी शांति नहीं है वो। फिर यीशु मसीह के पीछे एक लड़की आया। यीशु मसीह ने बोला बेटी तुम्हें क्या चाहिए। उस लड़की ने बोला मुझे प्रेम चाहिए। फिर यीशु मसीह ने उसको प्रेम दिया और उस लड़की बहुत खुशी है क्योंकि यीशु मसीह उसे प्रेम दिया। वो लड़की दूसरा का भी हेल्प करता है इसलिए वो खुशी में है। हम लोग पहला यूहन्ना 4:8 में देखते हैं जो कोई प्रेम नहीं कर सकता वो परमेश्वर को नहीं देख सकता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और हम लोग देखते हैं यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। किसके लिए किसके लिए दिया? हम लोगों के लिए, मालूम है ना, हमारे लिए दिया। हमसे इस संसार के लिए, इस संसार से कितना प्रेम किया परमेश्वर, अपना इकलौता पुत्र इस मसीह को हमारे लिए दे दिया। दिया है कि नहीं? हाँ कि नहीं? इतना ही बोलना
Terima kasih.